हेलो बेटी फ्रेंडली, आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। जब हमारे घर में कोई सब्जी नहीं होती और सब्जी बनाने का मन ना हो तो चलो आज बच्चों के लिए कुछ नया बनाते हैं। एक बड़ा सा आप आटे का गोला ले लें, जिसे पेड़ा बोलते हैं। इसे आप बड़ा बड़ा अपने हिसाब से बेल लें। इस पर हम लगाएंगे अब घी, रिफाइंड जो आपको पसंद हो आप वो लगाएं। मैं रिफाइंड लगा रही हूँ क्योंकि घी से ना बहुत ज़्यादा वेट हमारा बढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। वैसे हम रिफाइंड भी नहीं खाते हैं, मैं पीली सरसों का तेल खाती हूँ। अब मैंने अच्छे से इस पर घी लगा लिया है, ये रिफाइंड लगा लिया है। अब मैं इस पर ये सूखा आटा प्लेथेन जिसे बोलते हैं वो रब कर लेंगे, अच्छे से डाल देंगे इस पर। अब इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ। ये कसूरी मेथी का अच्छा टेस्ट आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, कम नहीं। और फिर इसमें हमने डाला है नमक। अब ये डाली है मैंने लाल मिर्च, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अब इसको हम ना फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम बचपन में पंखा नहीं बनाते थे वैसे ही फोल्ड कर लेना है इसे अच्छे से लंबा। ये देखिए कितने साइड्स बन गए इसके, ये सब लेयर बनेगी इसकी। एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से घुमाते हुए यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे। देखिए कितनी लेयर बन गई है इसकी। अब इसको हम प्लेथन लगा के बेल लेंगे। कभी सब्जी ना हो ना तो वैसे बना के दही के साथ खाएं, मक्खन के साथ, वाइट मक्खन के साथ, चाय के साथ अच्छा लगता है। मैं एक और परांठे की आपको रेसिपी शेयर करूँगी, आप वो भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में ये। ये कल तो मैंने अपने लड्डू जी के लिए बनाया था, क्योंकि हमारे घर में कल छोले बने थे तो छोले लड्डू जी के लिए बनाने नहीं थे, तो मैंने उनके लिए बनाया था। और ये भोग हमने खाया तो बहुत अच्छा लगा था हमारे को खाने में, इसलिए मैं कहा आपके साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो। ये सीख जाएगा तो उसे पलट ले एक साइड से, देखिए कितना जितनी लेयर इसकी बनेगी उतना अच्छा बनेगा, जितना बड़ा साइज का हो। ये लोहे के तवे पर मैं सेक रही हूँ अच्छे से। इसको थोड़ी सिम गैस पे भूने, सिम गैस पे सेकेंगे ना तो करारा बनता है, क्रिस्पी बनता है और अच्छा, तो बहुत टेस्टी लगता है। अच्छे से दबा दबा के सेक लें इसे आप। आप इसे खा के ज़रूर देखिएगा, मेरे बेटे ने तो खाया, उसे बहुत अच्छा लगा, आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कितनी सारी लेयर्स आएंगी देखिए।